भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर राज्यपाल और भगवंत मान होंगे, शपथ ग्रहण भी इसी मंच पर होगा। मुख्य मंच की दाहिनी तरफ जो मंच बना है उस पर पंजाब के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। 125 एकड़ में पंडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम, करीब 3,00,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण देखने आ रहे लोग बसंती रंग की पगड़ी और दुपट्टे लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि भगवंत मान को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहिए। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर होगा मंथन। सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने बैठक की। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वाले को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य, धामी का रास्ता साफ हुआ। योगी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को किया जमींदोज। उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले, पार्टी लेगी फैसला। या किस तरह की बैठक कब है? संगठन में तो हमारी रूटीन बैठक होती है। पूर्व मंत्री रेखा आर्य ने भी सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। कहा, मैं उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा जिससे सब मानेंगे। हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है। शीर्ष नेतृत्व तो जो तय करेगा हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गणेश गांवकर ने दिलाई शपथ। पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के जी 23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर होगी बैठक। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरे को मौका मिले। घर की जगह घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा भी करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने रोहतक डॉक्टर कफील को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को होना है मतदान। यूपी चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेल आईडी पर मंगाया जा रहा है सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले को अपने समर्थक को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। कहा, कश्मीर का सच दबाया गया था, ऐसी फिल्में और बने, सच को सही रूप में सामने लाना जरूरी है। ऑपरेशन गंगा पर भी फिल्म बने।
इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर रही है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच। अगर इन्हें सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। महाराष्ट्र में भी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग हुई तेज। बीजेपी ने मुंबई में मोर्चा निकालकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए हम ठाकरे सरकार को मजबूर करेंगे, भले वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो डट करके इस फिल्म का समर्थन करते, टैक्स फ्री करने का जो फैसला है तुरंत लेते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद का मामला, हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने की अपील, हिंदू सेना ने भी कैवियट दाखिल की। अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट्स जो है वो कानून के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन नहीं बनना चाहिए उनको। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छात्राओं की याचिका खारिज की, कहा इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही बताया, बोले स्कूल में यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ज्यादातर दलों ने समर्थन किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर निराशा जाहिर की है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। AIMIM प्रमुख ओवैसी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत, कहा फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। हम कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। प्रियम्बल है हमारे संविधान का जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप उसको भी सस्पेंड करता है। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज ने हिजाब के चलते छात्राओं का स्कूल में प्रवेश रोक दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था, इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा, 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में चेन्नई में प्रदर्शन, न्यू कॉलेज के छात्रों ने जताया विरोध। गलती से पाकिस्तान के इलाके में दागी गई मिसाइल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान, बोले भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद, मेंटेनेंस के दौरान हुई गलती, पाकिस्तान ने कहा साझा जांच हो। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी, यह घटना खेदजनक है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से बात की, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे।
ओमेक्स बिल्डर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे जारी। अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और 100 करोड़ रुपए के अघोषित लेन देन की जानकारी मिली। हरियाणा के पानीपत में दर्दनाक हादसा, वैन और ईंटों से लदे ट्रॉली ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मरने वालों की पहचान अली मोहम्मद मलिक और गुलाम मोहम्मद मीर के रूप में हुई है। गोरखपुर में होलिकोत्सव मनाने की तैयारी शुरू। कल 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 19 मार्च को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में होंगे शामिल। बिहार के वैशाली में होली मिलन समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायक संजय सिंह, लोगों के साथ जमकर लगाए ठुमके। पश्चिम बंगाल में लोगों पर चढ़ने लगा होली का रंग, कोलकाता में हर्बल रंग और मोदी पिचकारी की सबसे ज्यादा मांग। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।